तो आगे बढ़ाता हूं और आप यह मत सोचिएगा कि यह केवल ऐसी गंभीर बातें गजलों में लिखी गई हैं हमारे गाजीपुर के एक शायर उन्होंने लिखा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ है तो यह भी गजल नहीं क्यों साहब भाई इसका तेवर अलग है अच्छा जिनकी तालियां अभी उधार रह गई हों वो अगली पंक्तियों पर उसे उधार को चुकता कर सकते हैं असली बात अगली पंक्ति में कही आदरणीय दिनेश गोयल जी आ गए हैं मेरे बड़े भाई आपके एम एल सी दोबारा आए किसी आवश्यक कार्य में चले गए थे जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ मैंने भी मारा दाव हुआ मौलवी भी, भी चित वो मेरी बी के साथ है मैं उसकी बी के साथ क्यों सतेंद्र जी है तो देखिए ये भी गजल है लेकिन उसका तेवर कुछ अलग था अभी हमारे मेरे मनोज भैया आ गए हैं मुरादनगर से ये वीरपाल भाई लाइव कर रहे हैं और एक नाम दिया था आपने मुझे एक पर्ची थी आपके पास थी। नाम बता दीजिए पूनम जी कुछ ऐसा पूनम चौधरी अच्छा आचार्य पूनम चौधरी जी की उपस्थिति है यहाँ जी आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ वो दरअसल क्या हुआ अल्पना ने मुझे पर्ची दी कि वो है हमारे बीच वो पर्ची में थोड़ी देर में भूल गया और मैंने अपनी वो रोल बना के उंगली पर लपेट दी तो कई बार कवि के साथ होता है वो आप तो ठीक पर्ची आपने भिजवाई या आयोजकों ने भिजवाई आपने क्यों भिजवाई वरना कई बार आती हैं पर्चियां और है? वो भरतपुर में वहा मेलों में कभी सम्मेलन होते हैं हजारों लोग सुनने आते हैं रंगीलो उत्सव भरतपुर का भी मौका मिले जाइए जसवंत नगर प्रदर्शनी होती है जी हम सोच नहीं सकते कि ऐसा भी होता है इस देश में कम से कम चालीस पचास हजार आदमी जहां तक नजर जाती है आदमी आदमी नजर आते हैं और लास्ट में पीछे भरतपुर की बता रहा हूं आपको वहां ट्रैक्टर ट्रॉली बस खड़ी रहती हैं तो जो बिल्कुल पीछे चले जाते हैं वो उनकी छत पर बैठ सुनते हैं कभी सम्मेलन महिलाएं अलग बैठती हैं पुरुष अलग बैठते हैं वह एक पर्ची आ गई मेरे पास कि रामलाल जी जहां कहीं भी हो घर चले जाएं इमरजेंसी है मैंने वो पर्ची पढ़ दी भाई रामलाल जी जहां कहीं भी हो घर चले जाएं बहुत जरूरी काम है कोई तो जैसे ही रामलाल खड़ा हुआ महिलाओं में भी कलावती खड़ी हो गई बोली बैठ जा मैं तो देख रही थी यहीं आया कहीं और निकल गया तो तालियां थोड़ी सी बजा दें मैं क्रम आगे बढ़ाता हूं ये पर्ची से याद आया मुझे लेकिन दोस्तों मैं जिस रचनाकार को अब आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं बुलाना चाहता हूं मैं उनका नाम भी लेता हूं तो दोनों कानों को हाथ लगाता हूं और ये सच है कि इस पूरे गाजियाबाद की पहचान पूरे विश्व में कविता के क्षेत्र में जिस व्यक्ति विशेष के कारण इन दिनों हैं कभी कौल साहब भी यहाँ रहे हैं हर प्रसाद शास्त्री यहाँ रहे हैं बहुत लोगों ने सेवा की है लेकिन मैं मैं ये सच बता रहा हूँ आपको अमेरिका में एक कार्यक्रम में गया था तो वहाँ ह्यूस्टन एक जगह में गया एक महिला जो, जो आयोजिका थी हमारी रश्मि नाम था उनका संगीता पसरीजा संगीता पसरीजा तो रश्मि दूसरी थी अभी तो संगीता जी वाली बात याद आ रही है मुझे तो मुझे वो अपने घर में कमरे में ले गई और उन्होंने कहा कि एक कवि हैं जिनकी कविताओं पर मैं पेंटिंग्स बनाती हूं तो प्रवीण मैं तुम्हें एक पेंटिंग दिखाती हूं जरा पहचानना ये किसकी किस कवि की कविता पर मैंने बनाई है तो मैं सच बता रहा हूं आपको कि मैंने वो पेंटिंग देखी उन्होंने कहा कि मैं उन, उन कवि से कभी भी नहीं मिली जीवन में कभी नहीं मिली लेकिन मैं उनकी कविताओं से प्रभावित हूं तो उन्होंने अपने कमरे में जाकर मुझे दिखाया एक नदी बह रही थी और वो नदी की लहरों से उन्होंने एक चित्र बना रखा था और उस चित्र में नदी के जल की तरंगों से बना हुआ एक महिला का चित्र था जिसमें हंसुली टंगी हुई थी जिसमें चंद्रमा सुशोभित था और जैसी उन्होंने कहा कि बताओ ये किसकी किसकी कविता की तस्वीर है तो मैंने कहा तो एक सेकंड की बात भी नहीं है ये डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी ख्याति सात समंदर पार तक है और मुझे नहीं पता किसने क्या हासिल किया है लेकिन ये पता है कि जो मोहब्बत जो प्रेम जो सम्मान डॉक्टर कुंवर बेचैन ने अपनी जिंदगी में हासिल किया वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है मैं उन्हें केवल ये कहता हूं कि तुम्हारी याद के साय में आके बैठ गए हम अपने ज़ख़्म को दिल से लगा के बैठ गए तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब परम आदरणीय अतुल जी माननीय आशा जी आदरणीय पवन जी और इधर हमारे दिनेश जी उदिता जी डॉक्टर साहब और सब दूर तक तो जो चमक रहे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और मंच पर बैठे हुए समस्त कवियों को प्रणाम करते हुए आज की महफिल संतोष आनंद जी के लिए सजाई गई है मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजाकर कर स्वागत करें हम लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं आज मैं भी छोटा सा ही पथला पाठ करूंगा जिससे कि हम उनको अधिक से अधिक सुन सकें संतोष जी जिनसे कि मेरी मुलाकात कोई आज की नहीं है पिछले साठ वर्षों से मैं उनके साथ साथ हूँ देश विदेश में हम साथ साथ रहे हैं कवि सम्मेलन में रहे हैं उनका आशीर्वाद उनका स्नेह मुझे मिलता रहा है तो ऐसे ही संतोष आनंद जी का हमारे नगर में आना और आज जिस प्रकार से उनका अभिनंदन हम लोग करना चाहते हैं मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और हमारे समस्त कवि मैं जैसे कहा कि बहुत छोटा कविता पाठ करूंगा और उनके बारे में कितना ये कहना चाहता हूँ तो बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं फक्कड़ स्वभाव के हैं फ़कीर हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं ऐसे हमारे संतोष आनंद जी चार पंक्तियाँ उनके लिए कहना चाहता हूँ कहता हूँ कि जो बादल में नीर है जो बादल में नीर है जो बादल में नीर है फूलों में मकरंद जो बादल में नीर है फूलों में मकरंद क्यों ही मन मन में बसे कभी संतोष आनंद <laughs> हमारे सबके मन में जो निवास करते हैं संतोष आनंद जी यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जिस ढंग से ये संचालन करते हैं आप सब लोग जानते हैं हमारी डॉक्टर सुहासनी जिस प्रकार से संचालन किया है मैं उनको प्रणाम करते हुए और तौर चार पंक्तियां और कहता हूँ भाई साहब आपके लिए <laughs> कहता हूँ कि हीरो में कोहनूर हैं हीरो में कोहनूर जो हीरो में कोहनूर जो ऋतुओं में ऋतुराज हीरो में कोहनूर जो ऋतुओं में ऋतुराज कवियों में संतोष जी हैं सबके सरताज <laughs> तो संतोष जी आपको प्रणाम करते हुए और आप प्रेम के मोहब्बत के कवि रहे हैं मुझे सामने से ने जब दर्शक गुजर रहा था तो उन्होंने कहा वो जरूर सुना दीजिए तो अगर बार बार सुनाता रहता हूँ चलिए सुना देता हूँ क्योंकि होली का मौका भी है और उनका आदेश है उनका आदेश दीज़ीव पर दीज़ीव <laughs> तो सुना देता हूँ उसके बाद एक छोटा सा गीत बिल्कुल दो ढाई मिनट का गीत सुना कर अपना स्थान लूँगा जैसे हम संतोष को सुन सकें अधिक से अधिक परिवार साहब को सुन सकें सुना देता हूँ आपके क्योंकि होली का मौका आ रहा है तो इंतज़ार जो है होली में बड़े बड़े इंतजार रहते हैं तो सही तो एक इंतज़ार ये भी है तो कहता हूँ आपका मन चाहूंगा सब पूरी तरह से साँच मैं हमने और के ढलने नहीं दिया साँचे मैं हमने और के ढलने नहीं दिया दिल मोमू का है फिर भी पिघलने नहीं दिया दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया और फागुन की फहार जो होती है रंगों की बरसात की फहार जैसी होती है उस उसमें वो भी रंगने का मन करता है उसमें भी नहाने का मन करता है तब कहता हूँ याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया मैं कैसे मान लूँ कि उन्हें अब भुला दिया मैं कैसे मान लू कि उन्हें अब भुला दिया सावन में वो बोना तो मैंने यही किया सावन में वो बोना तो मैंने यही किया झूले उनका लिखा और झूला दिया झूले पे उनका नाम लिखा और झूला दिया आ, बहुत धन्यवाद अगर सत्येंद्र जी क्या आपने तो बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत महफिल सजाई और जिस प्रकार का जैसे उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको और जी, सुना है, को सुनाना है। अच्छा, बाद में सुना दूंगा <laughs> तो एक गीत क्योंकि हमारे संतोष जी प्रेम के गीत हैं गीतकार हैं मोहब्बत के गीतकार हैं सौंदर्य के गीतकार हैं और सकारात्मक सोच के गीतकार हैं दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी ये प्यार खत्म नहीं होने वाला ये बात वो हमेशा कहते रहे हैं मैं अपने गीत के माध्यम से बात मेरा साथ साथ जब तक चिड़िया चहकेंगी आप सब कसने चाहता हूँ साथ साथ रहिएगा जब तक चिड़िया चहकेंगी जब तक कलियां महकेंगी जब तक चिड़िया चहकेंगी जब तक कलियां महकेंगी जब तक भावरे ढोलेंगे गुनगुन गुनगुन बोलेंगे जब तक सागर में जल है जल में जब तक कल कल है जल में जब तक कल कल है जब तक सागर में जल है तट की ओर बहेगा जब तक दुनिया है प्यारे है। जब में प्यार रहेगा ही जब तक चिड़िया चहकेंगी जब तक चलिया मैं कहेंगी जब तक चिड़िया चहकेंगी नदिया से पूछा वो क्यों आगे आगे बहती है नदिया से पूछा क्यों वो क्यों आगे आगे बहती है बोली सागर की सूरत इन आँखों में रहती है बोली सागर की सूरत इन आँखों में रहती है चंदा से पूछा वो क्यों नभ में अक्सर आता है चंदा से पूछा वो क्यों नभ में अक्सर आता है सूरज से पूछा उसका धरती से क्या नाता है सूरज से पूछा उसका धरती से क्या नाता है दोनों ही ये बोल उठे मन की परतें खोल उठे दोनों ही ये बोल उठे मन की परतें खोल उठे बोले प्यार बिना क्या है इस त्योहार बिना क्या है बोले प्यार बिना क्या है इस त्योहार बना क्या है दूर रहा तो पागल मन दूर रहा तो विरही मन दूर रहा तो विरही मन पल पल रोज दहेगा ही जब तक दुनिया है प्यारे जब मैं प्यार रहेगा ही जब तक कलियां मैं केंगी ये छंद और सुनिएगा मुझे बहुत पसंद है मुझे उम्मीद है पसंद है सा जब तक कलिया महकेंगी कहेंगी जब तक कलिया महकेंगी कहेंगी तू तक से कहिए पूछा चा तक से कहिए किसके लिए तरसते हैं पूछा चा तक से कहिए किसके लिए तरसते हैं बोला जिस पल हम चाहें बादल कहाँ बरसते हैं बोला जिस पल हम चाहें बादल कहाँ बरसते हैं पूछा मोर मयूरी से किस दिन खुलकर नाचेंगे पूछा मोर यूरी से किस दिन खुलकर नाचेंगे बोले सावन आने पर मन की चिट्ठी बाँचेंगे बोले सावन आने पर मन की चिट्ठी बाँचेंगे सूर्य मुखी से पूछ लिया सूर्य मुखी से पूछ लिया क्यों जिसने प्यार किया वो तो गम की धूप सहेगा ही आहा! जिस दिन दुनिया के परे जग में प्यार रहेगा ही जब तक चिड़िया चहकेंगी अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अंतिम पंक्तियां तक मैं आऊंगा तो आप निश्चित रूप से अंतिम पंक्ति मेरे साथ साथ गाएंगे जब तक चिड़िया चहकेंगी जब तक कलियाँ महकेंगी जब तक भौरे डोलेंगे गुन -गुन, गुन 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 बोलेंगे जब तक सागर में जल है जल में जब तक कल कल है जल में जब तक कल कल है जब तक सागर में जल है तट की ओर बहेगा ही जब तक दुनिया है प्यारे जग में प्यार रहेगा ही जब तक चिड़िया चहकेंगी अब अंतिम पंक्तियां कहता हूं दुख सुख रहे मिलन का क्या अतुल्य दुख सुख विरह मिलन क्या क्या दुख सुख विरह मिलन का क्या ये तो आने जाने हैं दुख ऐ? सुख विरह मिलन का क्या ये तो आने जाने हैं आंसू और हंसी के भी अलग अलग अफसाने हैं आंसू और हंसी के भी, हा, भी हा, पह, आह अलग अलग अफसाने हैं क्षम रहेगी जब तक भी क्षम रहेगी ये जब तक जब तक ये परवाने हैं क्षम रहेगी ये जब तक जब तक ये परवाने है, पर हैं जब तक अपने होठों पर ये अलमस्त तराने हैं जब त्वार तक इनके होठों पर ये अलमस्त तराने हैं जब तक तारे चमकेंगे जब तक तारे चमकेंगे मोती बनकर दमकेंगे जब तक तारे चमकेंगे मोती बनकर दमकेंगे जब तक तितली मचलेगी जल से मछली उछलेगी जब तक तितली मचलेगी जल आ से आ तितली उछलेगी जिससे भी पूछोगे वो जिससे भी पूछोगे वो इतनी बात कहेगा ही जब, तो तिरुगी। जब, तिरुगी। जब तक दुनिया है प्यारे जब में प्यार रहेगा ही जब तक चिड़ियाँ जब तक कलिया मैं केंगी जब तक घोरे डोलेंगे गुनगुन गुन गुन बोलेंगे जब तक सागर में जल है जल में जब तक कल कल है जब तक जल में कल कल है जब तक सागर में जल है तट की और ही जब तक दुनिया है प्यारे जग में प्यार रहेगा ही जग में प्यार रहेगा ही जग में प्यार रहेगा ही बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी मौजूद हैं यहाँ पर निधि जी मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं सबको प्रणाम करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ और प्रणाम करते हुए आप एक बार जरा उनके आने पर तालियां बजाई थीं तो उनके काव्य पाठ और उसके समापन पर भी आपकी भरपूर मोहब्बत मिलनी चाहिए उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया है तब तक प्यार रहेगा और मैं कहता हूं कि जब तक ये हिंदी है हम सबके माथे पर हिंदी की बिंदी है जब तक हमारे पास कविता का संस्कार है तब तक डॉक्टर कुंवर बेचैन उनका नाम और उनका उनके साथ साथ उनका एक गाज़ेबाद यह भी पूरी दुनिया में रहेगा यह भी पूरी दुनिया में रहेगा उस एहसास की धड़कन को आपने महसूस किया